Praise the name of the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Bless your holy name, Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Bless your holy name. Lord, we 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 bless your holy name. Bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Lord, we bless your holy name. Bless your holy name. Bless your holy name, Lord. Give you praise, give you glory. Give you honor, Jesus of Nazareth. Jesus of Nazareth. Precious Jesus, precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. Precious Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Hallelujah. Tere paap dhul sakenge Yeshu ke lahu ke dwara sirf ek nazar utha le dekh le lahu ki dhara tere paap dhul sakenge Yeshu ke lahu ke dwara Prabhu ki salib hai jo teri pyaas bujha sakegi tere dil ki har musibat वही तुझ से छीन लेगी वो खुशी के साथ देगी नए जीवन का किनारा सिर्फ एक नजर उठा ले देख ले लहू की धारा तेरे पाप धुल सकेंगे यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा यीशु के लहू के द्वारा लॉर्ड वी ब्लेस योर होली नेम लॉर्ड वी प्रे दैट योर होली स्पिरिट विल ब्रूड अपॉन द एयर वेव लॉर्ड दैट द ब्लड ऑफ यहोशुआ हमशिया विल कवर दिस ब्रॉडकास्ट दैट ईच एंड एवरी वर्ड स्पोकन लॉर्ड विल बी फ्रॉम द अथॉरिटी ऑफ द होली स्पिरिट Lord, it will touch lives. It will transform hearts. Lord, it will melt the innermost being. The people will yearn for you. They long for you. And Lord, they will fall in love with you. Lord, unleash such splendor, such glory, and such majesty on this fellowship. We bless you. Hallelujah. Yeshu Masih ke naam mein ye prarthna hum karte hain. Amen. Hallelujah.
आज मैं एक बहुत गहरा संदेश आपको देने जा रहा हूं। प्लीज एंड तक बने रहना और उस वचन को सुनना। ये आपके जीवन को चुनौती देगा और आपके जीवन को एक अद्वितीय आशीष से भरेगा। आज तो सबसे पहले मेरा एक प्रश्न है, परमेश्वर के दास मूसा ने, जो परमेश्वर के घराने में सबसे दीन व्यक्ति है और जिसके विषय में यहोवा परमेश्वर ने साक्षी दी कि वो अपने इस सेवक से फेस टू फेस बातें करता, जो परमेश्वर का बहुत ही अजीम खादम है, बहुत प्यारा दास है, ऐसी हस्ती रखता है कि वो परमेश्वर की प्रजा और परमेश्वर के क्रोध दोनों के बीच में जाके खड़ा हो जाता है और परमेश्वर के लोगों के लिए मध्यस्थता की, विचोले की, विचवई की, ऐसी प्रार्थना किसी और व्यक्ति ने नहीं की जैसी परमेश्वर के दास मूसा ने की। और प्रभु ने स्वयं कहा ये मेरे घराने में सबसे दीन व्यक्ति है। तो सवाल ये है कि मूसा ने दूसरी बार क्यों चट्टान को अपनी लाठी से मारा? Why did Moses strike the rock the second time when God had only spoken to speak to the rock? प्रभु यहोवा ने मात्र ये कहा दूसरी बार कि मूसा जाके चट्टान से बोल और चट्टान पानी देगी, तो फिर भी परमेश्वर के श्रेष्ठ दास ने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और तैश में आके चट्टान को मारा। क्यों मूसा ने ऐसा किया? परमेश्वर की प्रजा पानी की प्यास से व्याकुल थी। आज बहुत गहरी बातें आप सीखने जा रहे हैं और सृष्टि जी प्लीज इस मैसेज को इसके बाद ही आप YouTube पे डाल दीजिएगा। परमेश्वर के लोग बहुत प्यासे हैं पानी के लिए और पानी नहीं है। मूसा परमेश्वर के सन्मुख जाता है और यहोवा परमेश्वर मूसा को बहुत सरल सी बात कहता है, जाके चट्टान से बोल और चट्टान पानी देगी। लेकिन परमेश्वर का भक्त मूसा अपना आपा खो देता है। शायद वो 2 से 3 मिलियन लोग थे। बहुत से बाइबल के विद्वान मानते हैं कि वो नियरली 3 मिलियन थे, 30 लाख के करीब, 20 से 30 लाख के बीच का एस्टिमेट है। और वो सभी पानी के लिए व्याकुल थे और लाखों की भीड़ कोहराम मचा रही थी। और प्रभु के दास ने चट्टान को लाठी से दे मारा और प्रभु यहोवा ने बड़ी हार्श जजमेंट दी। परमेश्वर का न्याय बड़ा क्रूर था। परमेश्वर ने कहा अब तू मेरी प्रजा की अगुवाई नहीं करेगा। सुनिए सबसे पहली बात, यहोवा परमेश्वर ने मूसा से परमेश्वर की कौम का अगुवा होने का अधिकार वापस ले लिया। God said, you are not going to be the pastor of this congregation. You are not going to be the apostle. You are not going to be the prophet. You are not going to be the leader of this congregation. प्रभु ने वो अधिकार छीन लिया और प्रभु ने उससे भी क्रूर सजा ये दी, you are not going to the land of promise. जिस देश में दूध और शहद की धाराएं बहती हैं, जिस देश में जाने के लिए मूसा ने फिराउन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और मिस्र की शाही राजपाट को त्याग दिया, प्रभु यहोवा ने कहा उस देश में तू नहीं जा सकता। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, मेरे संग बने रहिएगा। आज वचन को बहुत गहराई में खोजेंगे हम लोग। सबसे पहला वचन मैं आपको देना चाहता हूं, गिनती की पुस्तक निकालें, नंबर्स चैप्टर नंबर 20, गिनती की पुस्तक उसका 20 अध्याय। सुने जल्दी से, ध्यान से देखें, अपनी बाइबल खोल के पढ़ें, नंबर्स 20, गिनती 20 और पहला वचन। Then came the children of Israel, even the whole congregation, into the desert of Zin in the first month, and the people abode in Kadesh. इस्राएली लोग सिन नाम की एक बियाबान में आए और कदेश में पहुंचे। आपको मालूम यदि ये कनान देश का बॉर्डर है, ये कनान देश का बॉर्डर, इसके आगे कनान है, तो इस शहर का, गांव का, कस्बे का नाम है कादेश बर्निया। इसके बाद
वायदे की धरती शुरू है, बियाबांध के आखिरी मकाम पे पहुंच गए कदेश में, एंड मिरियम डाइड देयर। एक बड़ी खास बात है यहाँ पे, परमेश्वर के दास मूसा की प्यारी बहन मिरियम की मौत हो गई, मिरियम की मौत हो गई एंड वॉज बेरिड देयर, और वो वहां दफन की गई। और इसके बाद ही अगली आयत में, एंड देयर वॉज नो वॉटर फॉर द कॉन्ग्रीगेशन। तो जो सेकेंड वर्स है, सेकेंड वर्स के अंदर जो वाब है, यहां पे वाब यूज हुआ, पहला वर्ड वाब, वो कनेक्टर है, कनेक्टर है, और हिब्रू ग्रामर में वो वाब इस कहानी को जोड़ रहा है, मरियम का मर जाना और जो आगे की कहानी है दोनों को जोड़ रहा है वाव, जो यहां पे ग्रामर में है। वो ये बता रहा है मरियम की मौत बहुत महत्वपूर्ण है और वो कहानी को आगे लेके जा रही है। मरियम्स डेथ इज अ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर दैट देयर इज नो वाटर, पानी नहीं है पीने के लिए, इसका गहरा ताल्लुक, इसका गहरा संबंध मरियम की, मूसा की प्यारी बहन की मौत के साथ है। सुनिए ध्यान से, इसराइली लोग 40 साल मरुभूमि में घूमे, 40 सालों में 3 बार इसराइली लोगों ने पानी के पीने के क्राइसिस का सामना किया। 3 बार पीने के लिए पानी नहीं था और पीने के पानी के लिए बड़ा कोहराम मचा, 3 बार ये संकट आया। सुनिएगा ध्यान से, सबसे पहला संकट जब इसराइली लोगों ने सी ऑफ रीड्स को क्रॉस किया। रीड्स वो लाल झाड़ियां हैं जो समुद्र के अंदर हैं, लाल झाड़ियां, उसे सी ऑफ रीड कहा गया या रेड सी इसीलिए कहा गया क्योंकि उसके अंदर रेड मसल्स होती हैं, सिपियां, और लाल रंग की झाड़ियां, इसलिए उसे सी ऑफ रीड कहा गया। जब उन्होंने सी ऑफ रीड लाल समुद्र को क्रॉस किया और उसके 3 दिन, क्रॉस करने के 3 दिन तक वो बियाबान में चलते रहे, लेकिन 3 दिन के बाद क्या हुआ, 3 दिन के बाद पूरी इसराइली प्रजा चिल्लाने लगी क्योंकि पीने के लिए पानी नहीं। 3 दिन तक वो बिना पानी के रह लिए, लेकिन 3 दिन के बाद इसराइली प्रजा कोहराम मचाने लगी और परमेश्वर के दास मूसा को दुहाई देने लगी और यहोवा परमेश्वर को उल्लाने की बातें कहने लगी कि हम यहां बिना पानी के मर जाएंगे। तो क्या लिखा है, तो लिखा है, वचन को ध्यान से पढ़िएगा, कि वहां पे पानी जो था मारा का पानी था, मारा, मारा का मतलब होता है कड़वे पानी, कड़वा पानी था। तो मूसा ने परमेश्वर के आगे दुहाई दी, तो यहोवा परमेश्वर ने मूसा की प्रार्थना सुनी और उसे एक वृक्ष दिखाया और प्रभु यहोवा ने कहा इस वृक्ष की टहनी तोड़ के पानी में डाल, और उस वृक्ष की टहनी को जब तोड़ के पानी में डाला गया तो पानी जो थे, हालेलुया, वो मीठे हो गए। ये वृक्ष जो ट्री है, ये खुदावंद यीशु मसीह की सलीब को दिखाता है, क्रूस को दिखाता है, मुक्तिदाता यीशु मसीह का क्रूस आपके जीवन की कड़वाहट को मिठास में बदलता है। कड़वे पानियों में जब प्रभु भक्त मूसा ने उस डाला उसको, हालेलुया, तो वो पानी जो था मीठा हो गया, हालेलुया, पानी मीठा हो गया। तो दूसरी बार जब क्राइसिस आया, पहला आया बिल्कुल 3 दिन के पश्चात जब उसको हिट कर दिया गया, और दूसरा जो क्राइसिस था, क्राइसिस नंबर 2, तो दूसरी बार जो पानी का क्राइसिस आया, पानी का संकट हुआ, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूं क्राइसिस नंबर 3 पे। दो, पहला पानी का संकट, दूसरा पानी का संकट,
और तीसरा पानी का संकट, मैं तीसरे पानी के संकट के ऊपर लेके जाता हूं। जो तीसरा पानी का संकट है वो कदेश बर्निया में, डेजर्ट ऑफ जिन में, जब इसराइली लोग प्रॉमिस लैंड में पहुंच चुके हैं, वायदे की धरती के बॉर्डर पे हैं, वहां से सीधे वायदे की धरती में जा सकते हैं, वायदे की धरती, द कस्प ऑफ एंटरिंग इनटू द प्रॉमिस लैंड। तो 40 साल हो गए, पहला पानी का संकट आया जब 3 दिन गुजरे रेड सी को क्रॉस की, उसके बाद थोड़े समय के पश्चात दूसरा आ गया, जबकि पानी कड़वे थे और कड़वे पानियों को यहोवा परमेश्वर ने लकड़ी के द्वारा, यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा मीठा कर दिया, और उसके 40 साल के बाद तीसरा क्राइसिस आया। तो ये 40 वर्ष जो थे, इन 40 सालों में इसराइलियों को पीने के पानी का कोई भी संकट नहीं आया। They had no problem of water. पानी की कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? पानी की समस्या क्यों नहीं हुई उन लोगों को? 3 दिन बाद रेड सी के और उसके तुरंत थोड़े दिन के बाद जब पानी बिटर थे, जिसको परमेश्वर ने मीठा कर दिया, और उसके 40 साल के बाद तीसरा क्राइसिस पानी का आया। तो आप मुझे बताएं, 40 वर्ष तक वो पानी कहां से पीते रहे? ये रहस्य आज मैं आपको यीशु मसीह के नाम में, परमेश्वर के कलाम में से बताने जा रहा हूं। हालेलुया। मैंने आपको बताया जो पानी का पहला क्राइसिस आया, जिसके विषय में हमने पढ़ा, पानी के तीसरे क्राइसिस के विषय में जो हमने पढ़ा 20 अध्याय गिनती की पुस्तक में, उसके पहले वचन में लिखा है कि मरियम मर गई और दफन कर दी गई, और उसके बाद जो दूसरा वचन है उसमें वाव एज अ कनेक्टर है, जो ये इंगित कर रहा है, इशारा कर रहा है कि मरियम की जो मौत है उसका पानी के संकट के साथ संबंध है। हालेलुया। आपको मालूम, पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय उसके 5 वचन में प्रेरित पौलुस क्या कहता है, प्रभु का दास प्रेरित पौलुस पवित्र आत्मा के प्रकाशन के द्वारा एक बड़ी अद्भुत बात कहता है। सुनिए, पहला कुरिन्थियों उसका 10 अध्याय उसके 4 वचन में सुने, पहला कुरिन्थियों 10 के 4 में, एंड डिड ऑल ड्रिंक द सेम स्पिरिचुअल ड्रिंक, फॉर दे ड्रैंक ऑफ दैट स्पिरिचुअल रॉक दैट फॉलोड देम, एंड दैट रॉक वाज क्राइस्ट। कि इसराइलियों ने बियाबान में एक आत्मिक चट्टान से पानी पिया, और वो चट्टान थी खुदावन यीशु मसीह। ये जो चट्टान थी भाई और बहनों, ये चट्टान मरियम का कुआं बन गई। हालेलुया। मरियम्स वेल, मरियम का कुआं बन गई। आपको मालूम, तैलमद, अगर आप पढ़ेंगे तैलमद तनीत, उसके 9th स्क्रिप्चर की ए पार्ट में लिखा है कि ये मरियम का कुआं था। मरियम का कुआं, हालेलुया। और अगर आप पढ़ेंगे, एक बड़ी हैरानीजनक स्क्रिप्चर है, 21 अध्याय गिनती की पुस्तक के 21 अध्याय और उसके 17 वचन को मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, गिनती 21 के 17। देन इज़राइल सैंग दिस न्यू सॉन्ग, स्प्रिंग अप अ वेल, सिंग ई अनटू इट, द प्रिंसेस डिग द वेल एंड नोबल एंड द पीपल डिग्ड इट, बाय द डायरेक्शन ऑफ द लॉगिवर विद देयर स्टेव्स, एंड फ्रॉम द विल्डरनेस दे वेंट इनटू मताना, एंड मताना टू नथानियल, एंड फ्रॉम नथानियल टू बमोथ, एंड फ्रॉम बमोथ इन द वैली दैट इज इन द कंट्री ऑफ मोआब, टू द टॉप ऑफ द पिस्गा व्हिच लुकेथ टुवर्ड्स जेशिमोन। वो इजरायली पुरखे गाते थे बियाबान में, ये लिखा है, मरियम का गीत है ये। हालेलुया, ये मरियम का गीत। मैं यहां इसका 14 वचन आपके लिए पढ़ता हूं, वेयरफॉर इट इज सेड इन द बुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड व्हाट ही डिड इन द रेड सी एंड इन द ब्रुक्स ऑफ एरनन एट द स्ट्रीम्स ऑफ द ब्रुक्स दैट गोएथ डाउन टू द ड्वेलिंग ऑफ एर दैट लायथ अपॉन द बॉर्डर ऑफ मोआब एंड फ्रॉम देंस दे वेंट टू बेर्शिबा इज द वेल वेयर ऑफ द लॉर्ड स्पेक अनटू मोसेस गैदर द पीपल टुगेदर एंड आई विल गिव देम वाटर।
मिरियम का कुआं। हालेलुया। एक और वचन आपके लिए पढ़ता हूं, ये वचन मैं भी आपको बाद में देता हूं, तो अब सुनिएगा। परमेश्वर के दास मूसा को तीसरा क्राइसिस का सामना करना पड़ा। आपको मालूम कब? जब सारी यात्रा खत्म हो गई, जब मूसा ने इसराइलियों की अगुवाई करने के 40 वर्ष के कठिन काम को पूरा कर लिया, जब परमेश्वर का दास मूसा इसराइली प्रजा की अगुवाई करके उन्हें वायदे की जमीन में ले आया। हालेलुया। मैंने आपको बताया कि पहला जब क्राइसिस आया पानी का, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया। जब तीसरा क्राइसिस आया पानी का संकट, तो मरियम मर जाती है। तो जब पहला क्राइसिस आता है, लाल समुद्र को यहोवा परमेश्वर फाड़ता है, और उसके तीसरे दिन पश्चात वो क्राइसिस आ जाता है, तो मरियम परमेश्वर के लिए गीत गाती है। क्राइसिस नंबर वन से पहले मरियम डफली लेके यहोवा के लिए गीत गाती है और नाचती है यहोवा परमेश्वर के आगे। लेकिन जब तीसरा संकट आता है, उससे पहले ही मरियम मर जाती है। हालेलुया। और जब दूसरा संकट आता है दूसरी बार, उस समय यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है, जा उस चट्टान के पास खड़ा होके अपनी लाठी से उसे मार। और जब मूसा उस चट्टान को मारता है, तो उस चट्टान में से जीवन के जल की धाराएं बह निकलती हैं। बहुत से लोग ये मानते हैं कि उस चट्टान में से 12 चश्मे फूट निकले इसराइल के 12 गोत्रों के लिए। तो वो जो 12 चश्मे फूट निकले जब मूसा ने पहली बार उस चट्टान को अपनी लाठी से मारा, तो मिद्राश जो है वो पढ़ें, टैलमुड पढ़ें, और जोहार एक यहूदी लोगों की पुस्तक है। जोहार अगर आप पढ़ेंगे, मिद्राश बमिदबार राबा, उसका पहला अध्याय, उसका पहला वचन, वो बताता है कि ये मरियम का कुआं बन गया, और इसराइली पुरखे इस कुएं के आगे खड़े होके गाते थे, जो मैंने 21 अध्याय गिनती की पुस्तक के 17 वचन से आपको बताया। वो कहते थे राइजा पोवेल, राइजा पोवेल, और वो जो चश्मा था फूट निकलता था चट्टान में से, और वो चट्टान मरियम का कुआं बन गई, वेल्स ऑफ मरियम्स वेल। जोहार एक पुस्तक है जिसके 3 अध्याय के 133 वचन के पहले हिस्से में ये बात लिखी हुई है। हालेलुया। तो अब सुनिए, मरियम जो है मूसा की बहन, उसका कितना गहरा कनेक्शन है। सुनिए, ये मेरे नोट्स हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूं। मरियम जो नाम है, इसके अंदर सारा भेद छिपा हुआ। ये देखिए मरियम, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखें, ये है मेम रेश युद्ध मेम। इसके नीचे ये निकुड हैं, जो आपको एक इधर बिंदी और एक हाइफन और बिंदी है, ये निकुट है, निकुटीन या निकुड कहते हैं, जिन्हें वॉवल्स कहते हैं। तो ये है उसका नाम मरियम, मैम रेश युद्ध मैम। मैम का मतलब होता पानी। आपको मालूम स्वर्ग को क्या कहते हैं? स्वर्ग को कहते हैं हाशमायम, हाशमायम, जहां पे पानी है पवित्र आत्मा के, जहां पे जीवन के जल का सोता बहता है। मैम का मतलब पानी। मरियम के नाम के पहले अक्षर का मतलब है पानी, मैम रेश का मतलब होता है मुखिया, योड का मतलब हाथ, और उसके बाद में फिर मैम सोफीत है, मैम सोफीत। तो डबल वाटर्स हैं, दोहरे पानी। और ये उसका उसका जो नाम है मरियम, जो मैंने आपको बताया मैम रेश योड मैम, इन अक्षरों को जो इनके नीचे निकुड है, निकुड जो ऐसे, ये एक छोटी बिंदी इधर है, एक छोटी बिंदी इधर है, एक हाइफन के नीचे छोटी बिंदी है, इन्हें निकुड कहते हैं, कैंटिलेशन जिरेश या जिरशीन कहते हैं। तो अगर इन बिंदियों को हटा के अलग अलग इस्तेमाल किया जाए, तो मरियम का जो नाम है, देखें
मिरियम के नाम के तीन भेद निकलते हैं अगर आप ये निकोडीम हटा देंगे। ये आ गया मेम के नीचे निकोडीम और रश के नीचे, मेम रश युड मेम सुफीत, तो ये शब्द बन जाएगा मिरियम, मिरियम मिरियम जिसका मतलब कड़वा, बिटर, कड़वा। पहले अक्षर का मतलब बन जाएगा कड़वा। फिर दूसरा आप जो निकुड है यहां पे ले आए, मेम रश योड मेम, मेम और रश के नीचे आ गए, तो ये मेम रश युड मेम मिरियम जो है ये बन जाएगा मैरियम, मैरियम। पहले का मतलब बिटर और दूसरे का मतलब हाथ उठाना। मैरियम जो वर्ड है इसका मतलब है हाथ उठाना। और तीसरा जो मैम रश युड मैम मरियम का नाम है उसके अंदर अगर आप रश के नीचे ये निकोटीन निकूट को इस्तेमाल करेंगे मैम रश युड मैम, तो ये बन जाएगा मोरियम, मोरियम। मोरियम का मतलब होता है बलवा करने वाले, रेबल, रेबल बलवा करने वाले। समझ रहे हैं आप? मरियम के नाम के तीन भेद है, एक है कड़वा, दूसरा है हाथ उठाना और तीसरा है बलवा करना या बगावत करना। तो अब जो मैं आपको बता रहा था भेद कि पानी जो है, तीन जो क्राइसिस है पानी की, एक लाल समुद्र के लांघने के तीन दिन के बाद, और दूसरा आया जब यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है चट्टान को लाठी मार, चट्टान पानी देगी, और तीसरा जब आया तो मिरियम की मौत हो जाती है और वह दफन कर दी जाती है, और यहोवा परमेश्वर मूसा से कहता है अपने भाई हारून को ले और चट्टान से जाके बोल। तो ये जो तीनों पानी के भेद हैं इसके संग मिरियम जुड़ी हुई है। सुनिए ध्यान से, सबसे पहला, पहला मेरियम, मेरियम का मतलब कड़वा, कड़वाहट से भरा। तो पहले पानी कैसे थे? कड़वे थे, जिसमें उस वृक्ष का लकड़ी को डाला और पानी मीठे हो गए। यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन की कड़वाहट हटता है, बिटरनेस हटता है, हर अनफॉरगिवनेस हर लेता है अंदर से, रिवेंज की भावना को हर लेता है और हमें अंदर से दिल से लोगों को क्षमा करने वाले बनाता है। वो हमारी कड़वाहट हर लेता है। मिरियम, मिरियम का मतलब है कड़वाहट। और जो दूसरा मिरियम के नाम का मतलब है, मैंने आपको बताया, वो है हाथ ऊपर उठाना, ये मैं अभी आपको बताऊंगा। और तीसरा है, तीसरा जो है मोरियम, मोरियम जिसका मतलब है बागी, बलवा करने वाले। तो जब तीसरे नंबर का क्राइसिस आता है, क्राइसिस नंबर 3, हालेलुया, हम पढ़ेंगे 20 अध्याय गिनती की पुस्तक और उसका हम सात वचन से मैं पढ़ता हूं, सुने। अगर आप पढ़ेंगे, शुरू में पानी की तीसरी समस्या आ गई और हम पढ़ते मरियम मर गई, और साथ में वचन में इन द लॉर्ड स्पेक अनटू मोसेस सेइंग टेक द रॉड एंड गैदर दाउ असेंबली टुगेदर दाउ एंड एरन दाई ब्रदर एंड स्पीक अनटू द रॉक बिफोर देयर आईज इट शैल गिव फोर्थ हिज वाटर एंड दाउ शैल्ट ब्रिंग फोर्थ टू देम वाटर आउट ऑफ द रॉक सो दाउ शैल्ट गिव द कॉन्ग्रीगेशन एंड देयर बीस्ट ड्रिंक। प्रभु कहता चट्टान से जाके बोलना, चट्टान पानी देगी। And Moses took the rod from before the Lord as he commanded him. And Moses and Aaron gathered congregation together before the rock. And he said unto them, Musa aur uska bhai Harun dono gaye aur Musa chattan ke aage khada hoke Israeliyon se kya kehta hai? Hear now, ye rebels, ye balwa karne walo, tum suno. तीसरा मैंने मतलब क्या बताया आपको, मोरियम, मोरियम का मतलब बलवा करने वाले। मूसा इसराइलियों से कहता है हे बलवा करने वालों, हियर नाउ ई रेबल्स मस्ट बी फेच यू वाटर आउट ऑफ दिस रॉक
क्या हम तुम्हारे लिए इस चट्टान में से पानी निकालेंगे? मूसा और हारून लोगों का फोकस यहोवा की ओर से हटा के अपनी ओर खींच लेते हैं। जो महिमा जो सम्मान यहोवा का है वो अपनी ओर खींचते हैं। वो कहते हैं हम परमेश्वर जो तुम्हारे लिए पानी निकाल। जो लोग यहोवा परमेश्वर की महिमा को खाते हैं, जो जलाल जो गरिमा जो यश जो ग्लोरी केवल और केवल यीशु मसीह को मिलनी चाहिए। ये बड़े बड़े जो अपने आप को कहलाते हैं पासवान, जो अपने आप को ये पेश करते हैं कि हम तो दुनिया की सबसे बड़ी कलीसियाओं के पासवान हैं, अपने नाम के आगे फैंसी टाइटल लगाते हैं, लोगों को सिखाते हैं कि हमें पापा डैडी बोलो, चीफ प्रॉफिट चीफ अपोसल ओवर आर्चिंग बिशप His Holiness, ऐसे ऐसे फैंसी एंटाइटलमेंट अपने नाम के आगे लगाते हैं और परमेश्वर की गरिमा को खाते हैं, लोगों का फोकस अपनी ओर खींचते हैं, लोगों को ये सिखाते हैं कि हम बड़े खास लोग हैं, विशेष हैं, हम हाथ रखेंगे तो ये काम होगा, हम बड़े खास हैं, हम अभिषेक करेंगे ले हैंड करेंगे। सुनिए उनका कितना बुरा हशर होगा। मूसा ने एक पल के लिए जो महिमा यहोवा की थी वो अपनी ओर खींच ली और मूसा क्या कहता है, मूसा कहता है इस्राएली लोगों को सुने, हियर नाउ ई रेबल्स मोरियम शिमना हे मोरियम, इब्रू में बोलता है शिमना हे मोरियम, लिसन अप यू रेबल्स। मरियम का नाम है, क्या नाम है मरियम का, एक नाम है मोरियम जिसका मतलब है बलवा करने वाली, मेम रश युड मेम वही नाम है मोरियम, लेकिन निकुट अलग अलग जगह पे लगे हैं और मरियम बन जाती है बलवा करने वाली। मरियम के नाम की तीन अलग अलग शेड्स हैं, हालेलुया। और मूसा क्या करता है, 11 वचन पढ़े इसका 11, And Moses lifted up his hand, और मूसा ने अपना हाथ ऊपर उठाया। मैंने आपको बताया मरियम का जो दूसरा नाम है वो है मरियम, मरियम का दूसरा नाम है मेरियम, ये देखिए ये मेरियम है, मैम रेश युड मैम सुफी, ये देखिए ये है मैम रेश युड मैम सुफी, ये निकुड यहां नीचे आगे दो, एक निकुड यहां पे आ गया रेश के नीचे, ये बन गया हालेलुया मेरियम जिसका मतलब है हाथ उठाना। मूसा ने चट्टान को मारने के लिए अपना हाथ उठाया, मूसा ने लोगों को क्या कहा, मोरियम कहा, रेबल कहा। ये तीनों ही चीजें मरियम के नाम के अंदर है, मरियम के नाम के अंदर, उसके नाम का मतलब है कड़वाहट से भरी हुई और उसके नाम का मतलब है हाथ उठाना और उसके नाम का मतलब है बागी बलवा करने वाले। हालेलुया। पहला चमत्कार जब होता है लाल समुंदर के फटने के 3 दिन के बाद, उससे पहले मरियम गाती है और ये मौजा होता है, कड़वे पानी मीठे होते हैं। जब आखिरी क्राइसिस आता है उससे पहले मरियम मर जाती है। हालेलुया। और दूसरे चमत्कार पे जब चट्टान को मारता है मूसेस और उसमें से पानी के सोते बह निकलते हैं, वो पानी के सोते मरियम का कुआं बन जाते हैं। जब वो मरियम का कुआं बनते हैं, मरियम्स वेल, वहां से लेके पूरी यात्रा 40 साल की यात्रा में मरियम का कुआं बन जाता है वो चट्टान, अवधि चट्टान, पहला कुरिन्थियों 10:4 में जो अवधि चट्टान जिसमें से सोते फूट निकले और कुछ लोग मानते हैं 12 सोते फूट निकले, वो सोते बहते रहे 40 साल लगातार बिना नागा। हालेलुया। क्योंकि वो मरियम का कुआं बन गए सोते। आपको मालूम यहूदी लोग क्या मानते हैं, यहूदी लोग ये मानते हैं कि जो कुआं है वो मरियम के कारण है, चट्टान जो उड़ के जा रही है वो मरियम के कारण है, और जो आग का खंबा और जलाल का बादल है वो हारून के कारण, और जो मन्ना स्वर्ग से बरसता है वो मूसा के कारण। ये तीन परमेश्वर के लोगों को एट्रीब्यूट करते हैं, जूश लोग ये तीन
बड़े चमत्कार जो हुए। तो अब सुनिएगा ध्यान से, मिरियम का कनेक्शन पानियों के साथ क्या है। मिरियम मूसा की बड़ी बहन है। इसराइली लोग मिस्र की गुलामी में हैं। फिराउन ने आदेश दिया है जितने भी लड़के पैदा होते हैं इब्रानियों के यहूदियों के, सब लड़कों को नील दरिया में फेंक दो, मार दो और नील दरिया में फेंक दो। आपको मालूम बहुत से यहूदी लड़के जो पैदा हुए उन्हें दाइयों ने नील दरिया में फेंक दिया। लेकिन कुछ दाइयां डरती थी यहोवा से जिन्होंने ऐसा नहीं किया। आपको मालूम लाल नील दरिया का यहोवा ने न्याय क्यों किया, क्योंकि नील दरिया ने यहूदियों के बच्चों की लड़कों की बलि ली। तो यहोवा ने नील दरिया को मारा और जब वो मारा तो उसका खून बहने लगा, नील दरिया का रंग लहू की तरह हो गया। हालेलुया। और आपको मालूम मिस्रियों ने इसराइलियों के बच्चे मारे, पहलौठे मारे, यहोवा ने सारे मिस्र के पहलौठे मार दिए और अपनी प्रजा का बदला लिया। तो मरियम और मूसा की मां ने यहोवा पे विश्वास किया, मूसा को छिपा रखा, लेकिन अंत में उन्होंने मूसा को एक टोकरी में डाला और नील दरिया के हवाले किया। लेकिन वचन में क्या लिखा है, मरियम जो थी मूसा की बहन। हालेलुया। कूच की पुस्तक 2:4, निर्गमन 2:4, उसकी मां टोकरी में डाल के छोड़ के चली गई, लेकिन मरियम नील दरिया के पानियों के साथ साथ चलती गई। रीड्स थी उसके अंदर, वो लाल रीड्स। मरियम वहां चलती गई चलती गई और आगे फिराउन की बेटी और बहुत सारी उसकी नौकरानियां नहा रही थी। और मरियम ने खुद देखा कि मूसा को फिराउन की बेटी ने उठा लिया। हालेलुया। आप समझते हैं रहस्य, समझते हैं ये गहरा भेद। मरियम जो है मूसा की बहन। मैं एक वचन पढ़ दूं आपको, निर्गमन उसका 2:2। अब सुनिए उसके 3 से पढ़ता हूं। एंड वेन शी कुड नो लॉन्गर हाइड हिम, जब वो मूसा की मां मूसा को छिपा ना सकी, शी टुक हिम फॉर एन आर्क ऑफ बुल रशेस and daubed it with slime and with pitch and put the child therein and she laid it in flags by the river's brink. Usne neel darya ke aage musa ko tokri mein dal ke proper dhang se chhod diya. Aur kya likha 4th vachan mein, and his sister stood afar off to wit what would be done to him. To Miriam jo hai wo dekh rahi hai pani ki tokri ko jaate hue, वो रीड्स के पास खड़ी है। आपको मालूम वो सोच रही होगी दिल में कि सारे मिस्री लड़कों को फिराउन मार रहा है, कोई भी ऑप्शन बाकी नहीं है, कोई भी मार्ग बचा नहीं है, मेरे भाई का बचना नामुमकिन है। किसी रीति से जो इब्रानियों के यहूदियों के लड़के हैं उन्हें फिराउन छोड़ेगा नहीं, सभी द्वार बंद हैं, सभी ऑप्शन बंद हैं। हालेलुया। लेकिन मरियम क्या कर रही है, खड़ी होके ईमान से देख रही है और यहोवा से कह रही है, प्रभु इंसानों के सारे दरवाजे बंद क्यों ना हो जाएं, मनुष्य की सभी ऑप्शन खत्म क्यों ना हो जाएं, परिस्थितियां कितनी भी विकराल क्यों ना हो, राजा कितना भी वैरी क्यों ना हो, देश की गवर्नमेंट हुकूमत देश का कॉन्स्टिट्यूशन निजाम कितना भी खिलाफ क्यों ना हो, पर ब्रह्मांड को रचने वाला यहोवा हमारा परमेश्वर है। वो खड़ी है देख रही है विश्वास के साथ। को मालूम लोग गीत गाते हैं चुपचाप खड़े रहो यहोवा की निजात के काम देखो, ऐसे गाने से कुछ नहीं होगा, चुपचाप खड़े रहो यहोवा की निजात के काम देखो। भाई आपका जीवन होना चाहिए प्रभु के संग जुड़ा हुआ, आप प्रभु के लिए जी रहे हो पवित्र और धर्मी जीवन, आप तंग फाटक में से प्रवेश करके सकरे पथ पे चलने वाले हो,
खुद का इनकार करके क्रूस उठा के चलने वाले, प्रभु के लिए जीने वाले, तब प्रभु यहोवा आपकी हर लड़ाई लड़ेगा। ऐसे नहीं लड़ेगा प्रभु यहोवा, गीत गाने से नहीं लड़ेगा, चुपचाप खड़े रहो। वो खड़ी है ईमान के साथ, हालेलुया हालेलुया। वो खड़ी है और देख रही है कि यहोवा काम करेगा, हालेलुया। आपको मालूम, कई बार परमेश्वर आपको कहता है तुझे कुछ नहीं करना, क्योंकि तू कुछ भी कर नहीं सकता, विश्वास के साथ खड़ा हो, विश्वास के साथ। और इस ब्रह्मांड के रचने वाले यहोवा, सनातन काल के यहोवा परमेश्वर की ओर अपनी नजर लगा और शांत खड़ा हो और देख यहोवा कितना अद्भुत काम कर। आपको मालूम, लाल समुद्र के तट पे भी, सी ऑफ रीड के तट पे भी मरियम विश्वास से खड़ी है। इसराइली प्रजा जो पहले कुड़कुड़ाती बुड़बुड़ाती है, वो भी खड़ी है और प्रभु का भक्त उसे लाठी से मारता है। आपको मालूम मूसा क्या कहता है रेड सी के ऊपर, ओद मास्का हा कलूनी, ओद मास्का हा कलूनी, और वो पानियों को मारता है, हालेलुया, और पानी फट जाते हैं, हालेलुया। थैंक यू जीसस। मिरियम का कनेक्शन है पानी के साथ, हालेलुया। वो नील दरिया के पास खड़ी है। आपको मालूम मूसा क्या कहता है प्रभु से, इसराइली प्रजा पानी ना मिलने के कारण इतने क्रोध से भरी है कि वो मूसा को पत्थर मार मार के मार देना चाहती है। कब? दूसरी बार, जब दूसरी बार पानी का संकट पैदा होता है। पहली बार संकट पैदा होता है वो कड़वे पानी है, लकड़ी डाल के मीठे हो जाते हैं। दूसरी बार इसराइली प्रजा इतनी ज्यादा खुन्नस से भरी है कि वो मूसा को, मूसा कहता है ये लोग मुझे पत्थर मार मार के मार देंगे, तो प्रभु यहोवा मूसा से कहता जा जाके लाठी ले और चट्टान को मार दे, और मूसा जाके चट्टान को मार देता है और चट्टान में से सोते पानी के निकलते। जैसे मैंने बताया, कुछ लोग मानते हैं कि 12 सोते निकले और वहीं से वो सोता कुआं बन जाता है। मरियम गाती है, वो मरियम का कुआं बन जाता है। इसराइली लोग, जैसे मैंने आपको बोला कि वो गाते हैं, गिनती की पुस्तक 21 अध्याय के 17 वचन से, राइज अप ओ वेल, राइज अप ओ वेल, हालेलुया। एल्डर्स इकट्ठा होके गाते हैं, मिद्राश बामिदबार राबा 1:1 में भी ये लिखा हुआ है, और पानी के सोते बह निकलते हैं, हालेलुया। अब 20 अध्याय गिनती की पुस्तक में आई है, गिनती की पुस्तक 20 अध्याय उसके 10 वचन, एंड मोसेस एंड एरन गैदर्ड द कॉन्ग्रीगेशन बिफोर द रॉक। मूसा और हारून सारे के सारे इसराइली घराने को निकाल के ले आए, 20 से 30 लाख लोग कहां खड़े हैं, चट्टान के आगे, शिमना हा मुरियम हमी जेम सिलाखसा, शिमना हा मरियम हमी जेम सिलाखसा। मूसा कहता है कि क्या हम इस चट्टान में से तुम्हारे लिए पानी निकालें, हालांकि यहोवा ने ये कहा है जा जाके केवल चट्टान से बोल दे। तो मूसा इसराइलियों को कहता है शिमना मोरियम, ये हठीले लोग, जब इसराइली लोग पानी के संकट में अंतिम बार फंसे हैं, क्यों अंतिम बार पानी के संकट में फंस गए, 40 साल कौन पानी पिलाता रहा, एक पहले क्राइसिस आया 3 दिन के बाद, उसके बाद एक फिर क्राइसिस आया जब मूसा ने चट्टान को मारा, 12 सोते निकले, वो मरियम का कुआं बन गया, उसके बाद 40 साल पानी की कोई समस्या आई नहीं। पानी का कुआं, मरियम का कुआं, वो अबदी चट्टान उड़ के उनके संग चलती रही। अब क्यों पानी की कमी हो गई, क्योंकि 20 अध्याय गिनती की पुस्तक के पहले वचन में लिखा है मरियम डाइड देयर एंड वाज बरीड देयर, मरियम मर गई, जिसका वो कुआं था, जो गाती थी और बुजुर्ग गाते थे, वो चश्मे फूट निकलते थे,
पानी के चश्मे फूट निकलते थे बियाबान में, वो खुदावंद की बंदी मर गई जिसका नाम तीनों बार से जुड़ा, बिटर, हाथ उठाना और शिमना मोरियम, हे हठीले बलवा करने वाले लोगों। आपको मालूम मूसा मरता है, हारून मरता है, जब भी ये बड़े भक्त मरते हैं लोग इनके लिए विलाप करते हैं, 40 दिन, 70 दिन, 30 दिन, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग समय विलाप किया गया, इन सब के लिए लोग विलाप करते हैं, लेकिन जब मिरियम मरती है तो कोई विलाप नहीं होता। पढ़ लें गिनती की पुस्तक 20 अध्याय का पहला वचन, मरियम मरती दफन कर दी जाती है, दूसरे वचन में लिखा है देयर वाज नो वाटर फॉर द कॉन्ग्रीगेशन, और पानी नहीं है, लोगों ने विलाप किया ही नहीं मरियम के लिए, मरियम के लिए ग्रीव नहीं किया, मरियम का फ्यूनरल नहीं हुआ, मरियम के लिए स्यापा नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि लोगों को पानी की समस्या आ गई। और उसके लिए कौन विलाप करता है? ऑब्वियसली उसका भाई मूसा और उसका भाई हारून। और अब ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है मूसा के आगे, उसकी बहन मर गई, प्यारी बहन, उसके लिए विलाप भी नहीं किया गया, और इसराइलियों को पानी की बहुत बड़ी किल्लत आ गई, फिर जैसी पहले आई थी जब उसने चट्टान को मारा था। 40 साल तक पानी आता रहा क्योंकि उसकी बहन जिंदा थी, वो गाती थी, एल्डर गाते थे, वो चट्टान में से सोते फूट निकलते थे जब भी पानी चाहिए होता था, पूरे बियाबान में पानी की कोई कमी नहीं। आपको मालूम वो 30 लाख थे अगर, तो उनके जानवर उनसे 10 गुना थे, 3 करोड़ जानवर थे, 3 करोड़ जानवर को पीने के लिए कितना पानी चाहिए, 30 लाख लोगों को खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए और कामों के लिए कितना पानी चाहिए, सब वो अवधि चट्टान मुहैया करती थी, वो मरियम का कुआं था 40 साल तक। अब मरियम मर गई, लोग उसके लिए विलाप भी नहीं करते। आपको मालूम लोग बहुत नाशुक्रे होते हैं, अकृतघ्न होते हैं, अनथैंकफुल होते हैं। हालेलुया। मरियम का भाई मूसा, उसका दिल टूटा हुआ है, लेकिन वो एक अगुआ है जो लोगों की सुन रहा है, अंदर से इमोशनली एक बहुत बड़ा भूचाल चल रहा है मूसा के अंदर, उसकी बहन मर गई है, उसके लिए उसने प्रॉपरली विलाप भी नहीं किया, मर गई, दबा दी गई, आगे पानी की समस्या है, लोग चिल्ला रहे हैं। फिर वही सिनेरियो पैदा हो गया जो लगभग 40 साल पहले था जब मूसा ने चट्टान को मारा था। हालेलुया। दूसरे क्राइसिस में मरियम वहां थी, मरियम मूसा के साथ थी और वो मूसा के संग खड़ी थी, और मूसा ने चट्टान को मारा और वो मरियम का कुआं बन गया। हालेलुया। अब परमेश्वर जब मूसा के अंदर अपनी बहन को खोने का गम और उसकी प्रॉपर मॉर्निंग भी नहीं हुई, उसके लिए विलाप भी नहीं हुआ, मूसा अंदर से टूटा है, और प्रभु यहोवा मूसा से क्या कहता है? प्रभु यहोवा मूसा से कहता है, सारी प्रजा को इकट्ठा कर, जा और जाके चट्टान से केवल बात कर। हालेलुया। आपको मालूम मूसा से प्रभु क्या कह रहा है? मूसा से प्रभु कह रहा है, have faith in me, मुझ में विश्वास कर। और क्या कहता है प्रभु? मुझ में विश्वास करके खड़ा हो और मेरे पराक्रम के अद्भुत काम को देख। हालेलुया। विश्वास में खड़ा हो, खड़ा हो और मेरे अद्भुत काम को देख। आपको मालूम ये 2-3 मिलियन लोग, 20-30 लाख लोग अगर प्रभु के आगे चिल्लाएं तो प्रभु मौजा कर सकता है, लेकिन ये लोग क्या है? मोरियम है, रेबल है, बलवा करने वाले हैं। हालेलुया। तो मूसा क्या सोचता है? मूसा शायद सोच रहा है, इफ मरियम वर देयर, मरियम्स वेल वुड हैव हेल्प्ड अस। अगर मरियम होती तो मरियम का कुआं हमारी सहायता करता। अब वो चट्टान पानी नहीं दे रही, मरियम चली गई है। तो प्रभु क्या कहता है? प्रभु मूसा से कहता है, ये बहुत बड़ा विश्वास का कदम है जो अब मैं तुझे सिखाना चाहता हूं। मरियम भी नहीं है,
मरियम का कुआं गाने से पानी देता है, वो चट्टान है यहाँ, मरियम नहीं है, और 30 लाख लोगों के पास विश्वास भी नहीं है। लेकिन फिर भी इस परिस्थिति में भी मैं कोई नया काम करना चाहता हूं। आपको मालूम परमेश्वर पुराने पुराने काम नहीं करता, पुरानी चीजें रिपीट नहीं करता। परमेश्वर एक पेड़ को उत्पन्न करता है, उस पेड़ के अगर 2 लाख पत्ते हैं, 2 लाख के 2 लाख पत्ते अलग होंगे, उनका टेक्सचर अलग होगा, उनकी शेप अलग होगी, हर चीज का डीएनए अनूठा परमेश्वर बनाता है। अगर आप हजारों लाखों तितलियां देखें, उनके पंखों के ग्राफिक्स देखें, अलग अलग होंगे। परमेश्वर अनूठे, अद्भुत और नए काम करता है। परमेश्वर बोर करने वाला परमेश्वर नहीं, मोनोटोनस परमेश्वर नहीं है, परमेश्वर स्टेरियोटाइप नहीं है, परमेश्वर एक ही चीज को बार बार रिपीट नहीं करता। प्रभु यहोवा कहता है, खड़ा हो विश्वास से, जा चट्टान से बोल और चट्टान पानी देगी। लोग कमोशन कर रहे हैं, 30 लाख लोग। मूसा सोचता है, इट डजंट मेक सेंस कि अब चट्टान से बोलूं, पहले मैंने चट्टान को मारा था। हम कई बार, आपको मालूम, सोचते हैं जैसे परमेश्वर ने 10 साल पहले काम किया वैसे आज भी करेगा, इसलिए हम रिलीजियस मोनोटोनी में गिर जाते हैं। हम वही चीजें दोहराते हैं, ऐसे प्रभु ने काम किया, अब भी ऐसे करेगा, उन्हीं चीजों की कॉपी मारते हैं। जैसे कई पास्टर, एक पास्टर को देख लेंगे चंगाई की प्रार्थना करते हैं, इसको डांटता हूं, इस बीमारी को डांटता हूं, उस बीमारी, वो भी वैसे करने लग जाते हैं, कैंसर को डांटता हूं, इसको डांटता हूं, उसको डांटता हूं, वो देख लेते हैं, ऐसे हाथ रख के हल्का सा धक्का देके गिराते हैं, वो भी यही काम करने लग पड़ते हैं। वो देखते हैं लोगों के सर पे हाथ रख के मीठी मीठी भविष्यवाणी करते हैं, वो भी वैसे करने लग। प्रभु यहोवा कुछ नहीं कहता उन्हें करने के लिए, प्रभु यहोवा कुछ नहीं सिखाता स्वर्ग से, प्रभु यहोवा पवित्र आत्मा के द्वारा कोई दर्शन नहीं डालता, प्रभु यहोवा कोई बात नहीं बोलता, वो लोगों की कॉपी मारने लग, दूसरों को देख के वैसे ही करने लग पड़ते हैं। आपको मालूम, आपके लिए प्रभु ने आपका अभिषेक रखा है, आपके लिए प्रभु ने आपकी सेवकाई रखी है, आपके लिए जो काम करने को प्रभु ने आपको बुलाया, वो बड़ा यूनिक है, आपको किसी की कॉपी नहीं मारनी। लोग कैसा स्टाइल बनाते हैं, स्टेज बनी हो, पर्दे लगे हो, डिजाइन लगा हो, 10 लड़कियां इधर झूम रही, 10 लड़के इधर झूम रहे, इंस्ट्रूमेंट बज रहे हैं, ऐसे से यू यू कर रहे हैं, नाच रहे हैं, करके गा रहे हैं, वही स्टाइल को हमने भी कॉपी करना। ये काम चल रहा है पंजाब में, वही नकल, वही गीत, कोई प्रभु से नहीं पूछ रहे, प्रभु नवीन नए काम करता है। हालेलुया, प्रभु कहता है, फेथ, विश्वास कर, जा जाके केवल चट्टान से बोल। लेकिन आपको मालूम, कई बार हम आर्टिफिशियली वो परिस्थितियां क्रिएट करते हैं, आर्टिफिशियली उन्हें क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, वही जो देखा हमने किसी को सेवकाई करते उसी की कॉपी मारना, वैसे करने की। मूसा उस चीज को रेप्लीकेट करना चाहता है आर्टिफिशियली, उस दुनिया को क्रिएट करना चाहता है जिसमें मरियम है, मरियम जिंदा है, और मरियम जब जिंदा है वो चट्टान को मारा जाता है, चट्टान में से सोते पानी के फूट निकलते हैं, वो मरियम का कुआं बन जाते हैं और 40 साल तक वो पानी देते हैं। अब मरियम मर गई है तो मूसा फिर मरियम के विषय में ही सोच रहा है। हम अपने पुराने अनुभव, आपको मालूम परमेश्वर ने मूसा से कहा, पीतल का सांप बना के ऊपर लटका दे पोल पे, वो लटका देता है और प्रभु कहता है, जो भी इसको देखेगा वो प्लेग चली जाएगी, वो सांप के जहर से आजाद हो जाएगा, फायरी स्नेक्स जो काट रहे थे वो लोग चंगे हो गए जिन्होंने उसको देखा। यीशु मसीह योना 6:40 में कहते हैं, जो भी मनुष्य के पुत्र को देखेगा वो चंगा हो जाएगा, वो जीवन पाएगा। क्रूस पे लटके यीशु को देख लिया, हालेलुया। और आपको मालूम उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस सांप को उतारा, उसके लिए एक बक्सा बनाया, उसके अंदर वेलवेट के बढ़िया कपड़ों के अंदर लपेटा, उसको 40 साल मरुभूमि में लिए घूमते रहे और उसे वो कनान देश में ले आए और वो उसकी पूजा करते थे। वो उस देवता को उन्होंने नाम दिया नहुष्ठान। तो जोआश राजा जब सिंहासन पे बैठा, उसने उस सांप को कुचल दिया, ग्राइंड कर दिया। परमेश्वर ने इसराइलियों को एक बार का अनुभव दिया था वो सांप, एक बार के लिए था वो, उसके बाद उसे फेंक देना था। लेकिन इसराइली लोग उसकी पूजा करने लगे। लोग एक अनुभव की पूजा करते हैं, एक जो तजुर्बा हुआ ना आपके साथ किसी की चंगाई का,
एक किसी की दुष्टात्मा निकलने का, एक जो सेवकाई का स्टाइल था, अब नई चीज देगा प्रभु आपको, उसी स्टाइल उसी धर्रे पे नहीं चलना, आपने नई चीजें प्रभु से मांगनी। प्रभु ने मूसा से कहा मुझ पे ईमान रख, जा चट्टान से बोल। तो क्या हुआ, मूसा उसी दुनिया में लौट गया, उसने चट्टान को फिर मार दिया, क्योंकि पहले ऐसे हुआ था तो पानी आया था, उसने प्रभु की आवाज नहीं सुनी, आज्ञा नहीं मानी। प्रभु हमें कहता है विश्वास में खड़े हो जाएं, हालात परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना, हर बार प्रभु नया काम करेगा। धर्म, ईसाई धर्म के पुराने काम दोबारा दोबारा नहीं दोहराने, हमने आत्मा के नए नए काम सीखने। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह आप सबको बहुत आशीष दे। प्लीज इस वचन को फिर सुनिए और इसके ऊपर मनन कीजिए। खुदावन आप सबको बहुत बरकत दे। कल दिन में हम मुलाकात करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे। हालेलुया, और कल प्रभु ने चाहा तो शाम को भी एक सभा करेंगे। गॉड ब्लेस यू। प्रभु यीशु आप सबको बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह।